नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। छोटे यूट्यूबर हूँ, आपके एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, हो सके तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस का भर्ती चल रहा है, ठीक है। एक साल का ट्रेनिंग होगा। जॉब लोकेशन, सॉरी फ्रेंड्स, जॉब टोटल वैकेंसी 50, जिसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस 32 और डिप्लोमा अप्रेंटिस 18। एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2024। दोस्तों, आप लोगों को जो स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 13,500 रुपये मिलेगा पर मंथ और डिप्लोमा अप्रेंटिस को 12,000 रुपया मिलेगा। क्वालिफिकेशन और एज लिमिट मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताने वाला हूँ, वीडियो पर बने रहिएगा। दोस्तों, जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। दोस्तों, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर होगा वो स्पेसिफाई नहीं गया, इसलिए ऑल इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेसिस सिलेक्शन होगा। आपका जो ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा में जो मार्क्स मिले हैं, मार्क्स के आधार पर बेसिस करके आपका सिलेक्शन किया जाएगा, कोई एग्जाम और इंटरव्यू नहीं होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन। पहले ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप लोगों को अप्रेंटिसशिप पोर्टल में आपका नाम रजिस्टर करना होगा, ठीक है। वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जून से चल रहा है। दोस्तों, अप्लाई का लास्ट डेट 21 जुलाई 2024। मैंने ये नोटिफाई नहीं किया था, तो मैंने मेरे जो चैनल का जो व्यूअर है आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन लेके आया। अगर कोई आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेना चाहते हो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च से, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। क्या क्या स्ट्रीम है वो भी मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट, एप्लीकेशन फी पर नहीं चाहिए। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट www.ipr.res.in। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस एडवर्टाइजमेंट से जुड़े हुए कुछ भी, तो आप लोग यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं admin1selection@ipr.res.in। यहाँ पर आप लोग ईमेल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। आइए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन एंगेजमेंट ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसमेंट एक्ट, ठीक है। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ऐसे देखिए दोस्तों, वैकेंसी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस 5, और जिन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है उनके लिए 2 पोस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग पे ग्रेजुएट के लिए 5, डिप्लोमा के लिए 2। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे ग्रेजुएट के लिए 5, डिप्लोमा के लिए 5। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट के लिए 5, डिप्लोमा के लिए 2। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे ग्रेजुएट के लिए 5, डिप्लोमा के लिए 5। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए ग्रेजुएट के लिए 2, डिप्लोमा के लिए 2। और जनरल स्ट्रीम जो कि बीकॉम, बीए एंड बीबीए, ये तीन स्ट्रीम के लिए ग्रेजुएट के लिए 5 पोस्ट है। डिप्लोमा तो नहीं होता है इसमें, जनरल स्ट्रीम में तो नहीं है। ग्रेजुएट वो 32 और डिप्लोमा 18 पोस्ट है टोटल, ठीक है। दोस्तों, ये सब देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन, पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिस का क्वालिफिकेशन। ब्रांच कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर में आपको बीई या फिर बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के लिए सेम बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। सभी के लिए अपने अपने स्ट्रीम पर बीई या फिर बीटेक होना चाहिए। और जनरल स्ट्रीम जो ग्रेजुएट है वो अपने अपने स्ट्रीम पर बीकॉम या फिर बीबीए या फिर बीए पास होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, अप्रेंटिस टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए सेम अपने अपने स्ट्रीम पर डिप्लोमा होना चाहिए। आप ऐसे भी स्टॉप करके देख सकते हैं वीडियो को। स्टाइपेंड जो मैंने आप लोगों को बताया, देखिए 13,500 और 12,000। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग देखिए, एक साल का ट्रेनिंग होगा। ऐसे देख सकते हैं दोस्तों, एक साल का ट्रेनिंग होगा। पीरियड 1 ईयर ट्रेनिंग होगा। शेल नो एप्लीकेशन टू रेगुलर एम्प्लॉय टू अप्रेंटिस। इंस्टीट्यूशन का जो रेगुलर एम्प्लॉय है, अगर वो भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेना चाहते तो इसके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आप लोग भी कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर कैसे अप्लाई करना आप देखिए। कैंडिडेट मीटिंग द प्रेस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंगेजमेंट एज अप्रेंटिस ट्रेनिंग में सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके भी कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट ये नोटिफिकेशन लिंक खोल के। इसके अलावा मैंने भी आप लोगों के लिए ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। आप लोग क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, नीचे डेट देख सकते हैं दोस्तों, 22 जून से ही अप्लाई चल रहा है। अप्लाई का लास्ट डेट 21 जुलाई 2024। जिनको भी अप्लाई करना है कर लीजिए, और भी 5-6 दिन आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तीन नंबर जो पॉइंट आप देख सकते हैं। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर ऑन द एनएटीएस पोर्टल।
ठीक है, जो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोर्टल है nats.education.gov.in, यहाँ पर जाके आप लोगों को पहले आपका नाम रजिस्ट्रेशन करना होगा और ये वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। दोस्तों कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक नंबर पॉइंट दिखे, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड डिग्री डिप्लोमा इन रेस्पेक्टिव अपने अपने रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन ब्रांच पे कि आपका आइदर इन 2022-23, 2024, ये तीन साल में जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट किया है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने देखिए दूसरा कॉलम में क्या लिखा है, कैंडिडेट हो है पास्ट डिग्री डिप्लोमा इन 2021 और उससे पहले नहीं अप्लाई कर सकते। अगर 21 में आपने कंप्लीट किया अप्लाई नहीं कर सकते, अगर उससे पहले भी किया तो भी नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी का कुछ डिटेल्स यहाँ पर है, देखिए दोस्तों 6 नंबर पॉइंट दिखा देते हैं, ये देखिए वीडियो दोस्तों 2 पेज का ही है नोटिफिकेशन, इसलिए मुझे जूम करके ऊपर की तरफ लाना पड़ रहा है, स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों सिलेक्शन दिखे 6 नंबर पॉइंट, सिलेक्शन विल बी सोल्ली ऑन मेरिट बेस्ड, सोल्ली मीन में केवल मात्र मेरिट बेसिस आपका सिलेक्शन होगा, जो आपको परसेंटेज मिला है आपकी रेस्पेक्टिव डिग्री और डिप्लोमा में जो आपने अपनी स्ट्रीम पर उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जिसको जितना ज़्यादा मार्क्स मिला है उतना ही अच्छा होगा। बाकी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, टोटल यहाँ पर 19 पॉइंट है आप लोगों के लिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आप लोग थोड़ा पढ़ के देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी नोटिफिकेशन स्टेट सेंट्रल सभी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। फिलहाल वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए सभी लिंक के लिए।